we had stated that the summons are without jurisdiction as the IO cannot call any person to appear before CBI headquarters in Delhi. Any other directions that were passed by the High Court? No, the High Court has given us liberty that in case they give you a fresh summon or they ask you to come again post March, because this protection is till March 31st, we can come back to the High Court again. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी चीफ लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यसभा की सांसद मीसा भारती को कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जहां कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में जमानत दे दी, वहीं तेजस्वी यादव को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी लगातार समन के बावजूद भी हाजिर नहीं हुए और तेजस्वी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। तेजस्वी ने अपने वकील के माध्यम से दलील दी कि वो विधानसभा के कार्यवाही में व्यस्त हैं और इस वजह से वो सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये भी आशंका जताई गई कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है साजिशन। लेकिन आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को हाजिर होना होगा। देखिए, कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिस मामले में कल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और मीसा भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। और आपको ये भी मालूम है कि सीबीआई इस मामले में लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि तेजस्वी इस लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन उनसे सीबीआई इस मामले में पूछताछ करना इस वजह से चाहती है कि हाल ही में ईडी का रेड तेजस्वी यादव के आवास पर हुआ था, लेकिन उससे पहले भी 28 फरवरी को पहला समन जो है वो सीबीआई ने तेजस्वी यादव को भेजा था। और कुल अब तक जो है वो 3 समन तेजस्वी यादव को सीबीआई भेज चुकी है, लेकिन तीनों समन का जवाब तेजस्वी यादव सीबीआई के समक्ष हाजिर होकर नहीं दिया और उन्होंने रुख किया दिल्ली हाई कोर्ट का। उनके वकील की ओर से दलील दी गई कि उनके जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उन्हें परेशान किया जा रहा है और हो सकता है वो उन्हें साजिशन गिरफ्तार भी किया जाए, इस वजह से जो है वो नहीं हाजिर हो सकते हैं, नहीं हाजिर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी दलील दी गई कि वो इस पूरे मामले में कहीं भी आरोपी नहीं है, तो फिर पूछताछ क्यों। लेकिन सीबीआई ने अपना मत स्पष्ट कर दिया कोर्ट में कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुला रही है, बल्कि तेजस्वी यादव से पूछताछ करना है। कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसे सीबीआई के अधिकारी तेजस्वी यादव को दिखाएंगे और उनसे उन दस्तावेजों को लेकर जानकारियां मांगेंगे। तेजस्वी यादव को कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वो 25 मार्च को सीबीआई के समक्ष हाजिर हो, समय भी निर्धारित कर दिया गया है। सुबह के 10:30 पर तेजस्वी यादव को अब सीबीआई के समक्ष जाना होगा, जवाब देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी। हालांकि उसके बाद पूछताछ के बाद अगर तेजस्वी उस पूछताछ में फंस जाते हैं तो अगर कोई सुराग मिल जाता है सीबीआई को, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। लेकिन इस लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में वो अभियुक्त नहीं है, वो इस मामले में आरोपी नहीं है, फिर भी उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई बुला रही है। आपको मालूम है हाल ही में तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित घर पर ईडी का छापा पड़ा, खबरें सामने आई कि 600 करोड़ का हेरा फेरी जो है वो पकड़ा गया है। लेकिन तेजस्वी यादव सामने आए और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी बरामदगी हुई है, 2 किलोग्राम सोना और करोड़ों रुपए कैश की भी बातें आई, तो उन्होंने कहा कि सीजर लिस्ट दिखा देना सीबीआई ईडी की टीम, तब हम मान जाएंगे, नहीं तो कहे तो हम दिखा देते हैं क्या क्या बरामद हुआ है। ये सब चीज गलत है। तेजस्वी ने कहा कि हमारे आवाज से ईडी को ठेंगा मिला है। लेकिन इस लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में अब तेजस्वी यादव को हाजिर होना होगा, सीबीआई के तमाम सवालों का जवाब देना होगा। तारीख है 25 मार्च, समय है सुबह के 10:30 और दिल्ली में सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात,